जबलपुर में लगातार अवैध शराब बेचने वालों सहित जुआ फड़ों और सटोरियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और गड़ा थाना टीम द्वारा 3 सटोरियों को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ते हुए 5510 रुपए जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी गढ़ा राकेश तिवारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एकता चौक के पास रहने वाला बल्लू केबट अपने घर के पास सट्टा लिखवा रहा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देते हुए सट्टा लिख रहे कालू शर्मा निवासी गंगा सागर एकता चौक, राम सेवक बेन निवासी रामपुर, बबुआ सेन निवासी गुलौवा चौक को घेराबंदी कर पकड़ा गया। मुख्य सटोरिया बल्लू केबट भागने में सफल हो गया। पकड़े गए सटोरियों के कब्जे से हजारों की सट्टा पट्टी एवं नगद 5510 रुपए जब्त किए गए। सट्टे के संबंध में पूछताछ करने पर तीनों ने बल्लू केबट उर्फ बलराम केबट निवासी गंगा सागर तालाब के किनारे एकता चौक गड़ा के कहने पर बल्लू केबट के घर के पास सट्टा पट्टी लिखना बताया। सटोरियों के विरुद्ध सट्टा एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर मुख्य सटोरिया बल्लू केबट की तलाश जारी है। सर, एक सट्टे के व्यापार में छापामार कार्रवाई की है, क्या आप बता सकते हैं? गंगा सागर में बल्लू केवट के घर के पास में एक सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच के एएसआई धनंजय, राजेंद्र, वीरेंद्र सिंह और मुकुल तथा थाना गढ़ा के उप निरीक्षक कोमल सिंह बागरी, एएसआई हरगोविंद पटेल, प्रधान आरक्षक लालजी निकेश, बाल मुकुंद धर्मेंद्र, इन लोगों के द्वारा जो है घेराबंदी करके पकड़ी एक सट्टा पकड़े गए। तो कल्लू शर्मा और विजय शर्मा जो गंगा सागर का ही रहने वाला है, उसके हाथ से 5510 रुपये नकदी और सट्टे की पट्टी पकड़ी गई है। और वहां मौके पे दो लोग, एक राम सेवक बहन रामपुर, एक बबुआ सेन गुलौवा चौक, ये जो लेबर है सट्टा लगाने की नीयत से गए थे, तो उनका लाया गया है। कल्लू कुल्लू और विजय शर्मा को खिलाफ जो है चार का सट्टा एक का कार्रवाई की जा रही है, और जो राम सेवक और बबुआ सेन है इनके विरुद्ध 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। बल्लू केवट जो है मौके से फरार था, इसलिए उसके कहने पर हो रही, तो उस पर धारा 9 की कार्रवाई भी की जा रही है, 109 की कार्रवाई की जा रही है।